मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार, खास मुलाकात जनप्रतिनिधि के साथ। आज हम पहुंचे हैं झाक ग्राम पंचायत में और बात करेंगे सरपंच प्रतिनिधि जासिन जी कठाज से और जानेंगे उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या विकास कार्य किए हैं और किन किन विकास की योजनाओं पर चुनाव लड़ा था। तो सर, आपका पूरा परिचय। मेरा नाम यासिन कठाज है, ग्राम पंचायत झाक से सरपंच पति हूँ सर, और सरपंच का सहयोग करता हूँ सरपंच ग्रामीण कार्यों में। विकास की बात करें आपके ग्राम पंचायत में, इन 4.5 साल लगभग आपका कार्यकाल कंप्लीट हो चुका है, बात करें विकास की तो महनरेगा के तहत आपने क्या किया? महनरेगा में सर ब्लॉक रोड, ब्लॉक सीसी रोड और कच्चे कार्यों में एनिकट तालाब, मॉडल तालाब, खेल मैदान, स्कूलों खेल मैदान विकास कार्य, चारा का करीब 1.5-2 करोड़ रुपये का काम हुआ है नरेगा से। नरेगा से सर बात करें आज पेयजल की, पेयजल की आपके ग्राम में समस्या है और समस्या के निवारण के लिए आपने क्या करवाया? पेयजल की समस्या मगरा एरिया, पहाड़ी एरिया होने के कारण ग्राम पंचायत में ही है, तो हम लोगों ने सिर सीमेंट के सहयोग से बोरवेल टंकी वगैरह बनवाए हैं और बिसलपुर लाइन आई हुई है, जो सारे ढाणी ढाणी नहीं जुड़ी होने के कारण बिसलपुर लाइन की ढाणी ढाणी के लिए एमएलए साहब और आगे जनप्रतिनिधियों को सूचना दी और उनकी कार्य योजना बन रही है, जो इसमें ढाणी ढाणी जुड़ जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, सबसे बड़ी योजना है, तो इसके तहत आपके ग्राम पंचायत में कितने लोगों को लाभ मिला, मिला नहीं मिला? प्रधानमंत्री आवास योजना में मेरे ग्राम पंचायत में 2 राजस्व ग्राम है, इसमें एक रावलाबाड़ी और झाक, जो सर्वे से झाक ग्राम पंचायत झाक का राजस्व ग्राम झाक है, जो सर्वे से वंचित रह गया, इस कारण से रावलाबाड़िया में लगभग 40 मकान बन के तैयार हो गए, 10 मकान अभी प्रगतिशील है और इनको आगे उच्च अधिकारियों को सूचित कराया, जो ग्राम पंचायत झाक का राजस्व ग्राम झाक उसको सर्वे करवा के वहाँ पात्र व्यक्तियों को लाभ दिया जाए। मैं बात करना चाहूँगा ग्राम पंचायत में शिक्षा की, तो शिक्षा का स्तर कैसा है और आपने क्या प्रयास किए? ग्राम पंचायत झाक और नाडी अलग होने से ग्राम पंचायत झाक में उच्च माध्यमिक स्कूल नहीं थी, जो रावलाबाड़िया उच्च माध्यमिक स्कूल करवाई, क्रमोन्नत करवाई और सिर सीमेंट के सहयोग से काफ़ी बच्चों को सारे लगभग सारे 3 स्कूल है ग्राम पंचायत झाक में, उनको गोद ले रखा है, जो कॉपी किताब रजिस्टर वगैरह सिर सीमेंट मुहैया करवाती। अशोक गहलोत के एक साल प्रदेश का हाल, क्या प्रदेश के किसानों का कर्जा हुआ माफ, समर्थन मूल्य खरीदी पर क्या है सरकार का रूख, सवाल जवाब का सीधा निचोड़ प्रत्याशियों की जुबानी, जानिए राजस्थान के हर पंचायत की ग्राउंड रिपोर्ट डीडी समाचार के साथ। राजनीति की बात करें तो आपने राजनीति की शुरुआत कहाँ से की, आपके परिवार से? मैं सर मेरी राजनीतिक मैं अभी 5 साल पहले ही हुआ था राजनीति में, मेरे से पहले मेरे पिताजी 2 बार सरपंच रह चुके हैं, मेरे बड़े पिताजी 2 बार सरपंच रह चुके हैं और उनकी उनको देख के उनके नक्शे कदम पे चल के मैं राजनीति सीखी है और सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। सर आज की बात करें युवा पीढ़ी की, नशे की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही है, बात करें आपकी पंचायत या पंचायत समिति या राजस्थान की बात करें तो नशे की तरफ बहुत जा रही है, आप आज सरपंच और सरकार के क्या प्रयास होने चाहिए ताकि नशे पर रोकथाम लगे? आजकल युवा पीढ़ी वास्तव में नशे की ओर ज़्यादा बढ़ रही है, मगर सरकार ये तो सरकार के हाथ में, मगर फिर भी ग्राम पंचायत स्तर पर जो अवैध शराब की दुकानें हैं, जैसे ग्राम पंचायत झाक, लूलवा और अंधेरी देरी में एक ही दुकान दे रखी है शराब की, मगर अवैध दुकानें लगभग लगभग ग्राम पंचायतों में, हर ग्राम पंचायत में 10 से 15 दुकानें अवैध चल रही, उस पर प्रशासन रोकथाम कर दे तो काफ़ी हद तक इसके रोकने के प्रयास हो सकते हैं। सर मैं स्वच्छ भारत मिशन की बात करूँ, ओडीए पूरा राजस्थान हो चुका, पंचायत हो चुकी है, धरातल लेवल की कंडीशन की बात करें तो कैसे आपकी ग्राम पंचायत? सर स्वच्छ भारत मिशन में प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा मुहिम चला रखी है उन्होंने, तो प्रधानमंत्री ओडीए पंचायत, ग्राम पंचायत ओडीए हो चुकी है और लोगों ने जागरूकता फैली है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शौचालय को यूज में ले रहे हैं। सर मैं जानना चाहूँगा और ग्राम पंचायत की जनता भी जानना चाहेगी, पंचायती राज के चुनाव आने वाले, आपकी भूमिका क्या रहेगी, आप कौन सा चुनाव लड़ेंगे? पंचायत राज चुनाव नज़दीक हैं,
पब्लिक ग्रामीण ग्रामीण एरिया होने के कारण पब्लिक जो बीच में हमने 5 साल जो कार्य करे हैं, जो ग्रामीणों के बीच में रह के जो उनके सहयोग कराए, उनके जो भी विकास कार्य करे उनके हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। पब्लिक चाहेगी तो वापस उम्मीदवार बनेंगे और आगे पब्लिक के ऊपर देखो क्या होता है। जनता से क्या अपील करोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? जनता से स्वच्छ भारत मिशन में चल रहे तो स्वच्छ भारत मिशन का मोदी जी का जो सपना है, जो पूरे अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना था, जो एकदम स्वस्थ क्लीन और स्वस्थ स्वस्थ तन स्वस्थ मन होगा तो सारे काम स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हमने बात की जाग सरपंच प्रतिनिधि जासिन जी कठार जी से, उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत का चौमुखी विकास करना। देखते रहे डीडी समाचार, मैं नरेश कुमार कैमरा पर्सन अजय शर्मा के साथ। फैला रखो साथ सदा, पॉलीथीन को करो विदा, सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लें, महानरेगा के तहत 100 दिवस का रोजगार प्राप्त करें, शौचालय का नियमित उपयोग करें, प्रधानमंत्री आवास योजना में पंजीकरण करवाकर लाभ प्राप्त करें, शुभ शक्ति योजना का लाभ उठाएं, जल शक्ति अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, जन्म मृत्यु के विवाह का पंजीकरण अवश्य कराएं, बिजली व पानी बचाएं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, जन जन में अलग जगाना है, प्लास्टिक मुक्त गांव बनाना है।